हे फ्रेंड्स, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं पास्ट ईयर एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किसके, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के। इससे रिलेटेड दो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की वीडियो आपने पहले ही देख ली है। उसमें टोटल मिला के जब भी मैंने पीडीएफ दी थी तो टोटल मिला के 15 क्वेश्चन आपको दिए थे, वो भी आपने कवर कर ही लिए होंगे। आज हम इनके आंसर देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, पर इसमें मैंने टोटल मिला के 17 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो जब भी आपको नई पीडीएफ मिलेगी करेक्ट आंसर के साथ तो टोटल मिला के आपको 17 क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। और एक थर्ड क्वेश्चन है, उसमें एक और थ्योरी का पार्ट नया आया है, तो इसलिए वो भी मैंने ऐड कर दिया है ताकि आपका कोई भी थ्योरी से रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल ट्रेड की है वो पार्ट ना रहे, ठीक है। तो वो भी हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे या समझेंगे ताकि आपके वो क्वेश्चन का जो भी आंसर है आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द थ्योरी सजेस्टिंग दैट द पैटर्न्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर डिटरमिन्ड बाय फैक्टर एंडोमेंट रादर देन प्रोडक्टिविटी वॉज प्रपाउंडेड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो किसने प्रपाउंड किया फैक्टर एंडोमेंट को, तो यहाँ पे हम एक एक करके देख लेते हैं और ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की वीडियो तो आपने कवर कर ही ली है। तो देखो, एडम स्मिथ एब्सोल्यूट एडवांटेज डबल ए, जैसे मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताया है डबल ए एडम स्मिथ, तो ए एब्सोल्यूट एडवांटेज, तो वो क्या बात करता है, प्रोडक्टिविटी की बात करता है। वो ये बात करता है कि जो नेशन की ग्रोथ होगी जनरली वो किसके थ्रू होगी, पर पर्सन की इनकम बढ़ने से या उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने से। तो जितना ज़्यादा आप क्या करोगे, गुड्स को प्रोड्यूस करोगे जिसमें आपको एडवांटेज है, तो जितना ज़्यादा आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। तो वो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की बात करता है, जबकि मर्केंटलिज्म में क्या था, उस जिसको उसने अपोज किया उसमें क्या था, कंट्री की वेल्थ जो है या बोल सकते हैं कि नेशन जो भी ग्रोथ होगा वो किसके थ्रू होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने से और इम्पोर्ट कम करने से, जिससे गोल्ड सिल्वर ये ज़्यादा से ज़्यादा गेन किया जा सके, यानी अपने खजाने को बढ़ाया जा सके, वो था मर्केंटलिज्म में। जबकि एडम स्मिथ ने इसको अपोज किया और उसने बोला कि वो वेल्थ से नहीं होता बल्कि किससे होता है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने से होता है, पर पर्सन इनकम बढ़ने से होता है, जो कि किसके थ्रू होगा, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ने से। डेविड रिकॉर्डो कंपेटिटिव एडवांटेज, उसने ये बोला कि जनरली जो भी कंपेटिटिव एडवांटेज होता है वो लेबर के थ्रू होता है, तो उसने सिंगल फैक्टर क्या माना, सिर्फ लेबर माना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, और कोई नहीं माना। तो यहाँ गलती इसने करी, पर इसने जब भी यहाँ पे मानी तो उसने क्या बोला कि अगर दो पर्टिकुलर कंट्री है जहाँ पे लेबर में कमी है, यानी लेबर सस्ता है, लेबर कमी बोल रहा हूँ सॉरी, लेबर जहाँ पे सस्ता है आप वहाँ से ही क्या करोगे, इंपोर्ट करने की करोगे, न कि यहाँ पे आप बनाने की करोगे। तो जनरली मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसका, यूएसए और इंडिया के कॉल सेंटर, तो हमने क्या बोला था कि इंडिया के कॉल सेंटर चीप है, तो जनरली जो यूएसए का कोई भी कंपनी होगी वो जो सर्विस लेती है वो क्या करती है, इंडियन कॉल सेंटर की लेती है, न कि यूएसए की, क्योंकि यूएसए के जो कॉल सेंटर हैं वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं लेकिन एक तरीके से वो कॉस्टली हैं, और इंडियन कॉल सेंटर एक तरीके से उनकी कमी पूरी कर देते हैं, चाहे वो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं बोलते हो लेकिन लेबर सस्ती होने के कारण एक तरीके से जो भी कमी है वो भी पूरी कर देते हैं। तो वो कंपेरेटिव का पार्ट था आपका जनरली, तो वो डेविड रिकॉर्डो से रिलेटेड था। हेक्चर एंड बर्टिल होलिन फैक्टर एंडोमेंट, तो आपको पता है कि जैसे देखो डेविड रिकॉर्डो में अपन ने बोला कंपेरेटिव और डेविड, तो सी डी या आपको आर सी से याद रखना था, आपकी मर्जी है, जैसे भी आपकी मर्जी हो। हेक्चर एंड बर्टिल होलिन बी और F, ऐसे मैंने बॉयफ्रेंड बताया था आपको तो वो तो मजाक में था, चलो आपको वो गलत लगता है तो ऐसे देखो ऑल इन ओ एफ, तो ऑफ करके भी आ सकते हो, इंग्लिश का वर्ड है ऑफ, तो उस तरीके से। माइकल पॉटर, माइकल पॉटर में अगर आपको दिक्कत होती है तो माइकल पॉटर भी क्या था, जैसे कंपेरेटिव था वैसे ही कंपेटेटिव एडवांटेज, क्योंकि सी एम या पी सी पर्सनल कंप्यूटर वैसे मैंने बताया था, फिर भी याद नहीं हो तो पॉटर डायमंड मॉडल मैंने बताया था, तो उसमें चार टाइप के थे आपके, एक तो फैक्टर कंडीशन, एक डिमांड कंडीशन, एक आपका रिलेटिव एंड सपोर्टिव इंडस्ट्री था, एक आपका राइवल स्ट्रक्चर, इस तरीके से था, चार पार्ट थे। पर इसके अलावा मैंने बताया कि उसमें दो पार्ट और आते हैं, गवर्नमेंट और चांसेस। तो माइकल पॉटर ने जनरली क्या बोला था कि कंट्री की जो भी एफिशिएंसी बन रही है या फर्म जो भी कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर रहा है, तो वो कभी भी लेबर के थ्रू या उसके थ्रू नहीं कर रहा, फैक्टर प्रोडक्शन के थ्रू, वो किसके थ्रू कर रहा है, धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर रहा है या टेक्निकल चेंजेस कर रहा है, किसमें, अपने प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट प्रोसेस में, तो उसके थ्रू वो गेन कर रहा है। तो उसमें चार फैक्टर थे आपके, जो कि मैंने बताया कि एक तो फैक्टर कंडीशन, डिमांड कंडीशन और रिलेटिव एंड सपोर्टिव इंडस्ट्री और राइवलरी स्ट्रक्चर, ये पार्ट बताया, तो उनकी वजह से भी और गवर्नमेंट की वजह से और कभी कभी चांसेस की वजह से भी जनरेट होता है, तो माइकल पॉटर से रिलेटेड था, नहीं तो आप थ्योरेटिकल पार्ट में जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे अपना आंसर होगा सी, क्योंकि टाइम इसमें मैंने लगा दिया। इसके बाद है आपका कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी इज स्टैटिक इन कैरेक्टर, असर्शन दे रखा है आपको, और रीजन क्या है, कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी इज बेस्ड ऑन फिक्स्ड सप्लाईज ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। तो एक बार आप वहाँ जाके देखिए थ्योरेटिकल पार्ट में, आपको पता चल जाएगा, मैंने बताया था कि फिक्स सप्लाई ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं। वैसे भी आप शुरू की थ्योरी देख लीजिए, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपेरेटिव, इस तरह की थ्योरी देखोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे सब कुछ सेम है, कहने का मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर क्या है,
एक तरीके से बोल सकते हैं कि हो सकती है आराम से इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन कंट्री के अंदर ही जा रहे हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज में आपने पढ़ा, कंपेरेटिव में भी क्या हो रहा है, उधर ही जा रहे हैं। पर फिक्स सप्लाई और फैक्टर प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि जनरली आप देखोगे कि चेंजेज इतना नहीं हो रहा, और मेन किस पे डिपेंड है, लेबर पे डिपेंड है। तो सप्लाई और फैक्टर प्रोडक्शन फिक्स है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बोल दिया कि कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी क्या थी, स्टैटिक थी, उसमें ज़्यादा चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, अपग्रेडेशन की बात नहीं थी। और ये बोल रहा है कि रीज़न क्या है, क्योंकि जनरली ये फिक्स सप्लाई ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन पे, जो कि मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में आपको कवर करके बता रखा था। तो कोर्ट्स में हम क्या बोलेंगे, कौन सा सही है, ए और आर करेक्ट है, और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। अब थर्ड की तरफ देखते हैं, देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग आ गया, और इसमें एक नई आपकी थ्योरी भी कवर हो गई है। तो ये दिसंबर 13 में आया था, तो मैंने आपको क्या बताया, इस तरीके से आ सकते हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैच करने के लिए। तो यहाँ प्रोफेसर के नाम दे रखे हैं और यहाँ पे थ्योरी के नाम है। कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी, तो ये किससे रिलेटेड आपको पता है कि मैंने भी आपको बताया सीडी, ठीक है, ये आपकी मर्जी, आर सी कैसे भी आ रखो। तो ये देखो डेविड रिकॉर्डो से रिलेटेड आ गई। अब देखिए कि आपको जो कोर्ट्स है उसमें किस में मैच कर रही है, एक तो ये और एक ये मैच कर रही है, तो ये अपने आप एलिमिनेट हो गए, बी और डी, इसको हटा दो। अब आपका आंसर जो होगा ए या सी के बीच में होगा। अब सपोज करो बी आपको नहीं पता था क्योंकि मैंने कवर नहीं कराया, या आपने भी कवर नहीं करा इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो एक बार इसको हटा दो, यानी इसको एक बार रोक लो। और दूसरा पार्ट देखो सी, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, तो अभी अभी हमने पढ़ा हेक्स्चर एंड बर्टिलोलिन, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, हेक्स्चर ओलिन ऑफ ऑफ करके मैंने बताया ना आपको, तो आप देख लीजिए किस में आ रहा है, ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, फिर तो दिक्कत हो गई। फिर अगला देखिए डी, डॉक्ट्रिन ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, तो देखो रेसिप्रोकल डिमांड का जो पार्ट था वो किसने करा था, जे एस मिल ने। इसमें मैंने आपको शॉर्ट में नहीं बताया था, फिर भी अगर आपको याद रखना है तो देखो कैसे बन सकता है, ये जे और ये डी, तो आप डी जे बोल सकते हो या आर जे, रेडियो जॉकी बन गया ना, तो आप बादशाह का गाना याद रख लेना, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, चलो वो तो मजाक हो गया, लेकिन आप डॉक्ट्रिन ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड को किसके थ्रू याद रखोगे, जे एस मिल के थ्रू। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पार्ट है वो इसमें आ रहा है, तो जो बी का होगा वो वन ही होगा, यानी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी दी, गॉटफ्राइड हेबरलर ने, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो 3142। अब देख लेते हैं कि ये थ्योरी क्या बोल रहा है, देखो इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। जनरली आपने पीपीसी सुना होगा, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर, जिसमें बोलता था कि दो कमोडिटी उसके अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ते हैं, यानी प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, जिसमें हम क्या मानते हैं अजम्पशन कि रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो रहे हैं और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, और बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जो कि कॉन्स्टेंट है, गिवन है, टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि जो रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर रहे हैं वो फुली एंड एफिशिएंटली कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी जो है वो कॉन्स्टेंट है, उसके थ्रू जो हमने गुड्स प्रोड्यूस करे, तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे कितने गुड्स को छोड़ा, वो हमारी क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। जबकि कंपेटिव कॉस्ट में सिर्फ लेबर की तरफ ध्यान दिया गया, और लेबर को बोला गया कि वो होमोजेनियस है, वो फिक्स सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो कि हमने कंपेटिव में भी देखा था। तो उसको अपोज किया इसने, किसने, गॉटफ्राइड हेबरलर ने 1936 में। तो उसने बोला कि इस थ्योरी के हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड इज़ द अमाउंट ऑफ सेकेंड गुड That must be given up to release just enough resources to produce one additional unit of the first good. मैंने आपको बोला कि आप जैसे क्या कर रहे हो, वीट प्रोड्यूस कर रहे हो, और राइस के बदले में मान लो वीट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप ये बोल सकते हो कि अगर 10,000 क्विंटल वीट प्रोड्यूस करने के लिए आपने राइस की कितनी क्वांटिटी छोड़ी, 15,000, 20,000, तो एक तरीके से क्या है कि 10,000 प्रोड्यूस करने के लिए जो 15,000 क्वांटिटी छोड़ी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई पहले वाले पार्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि उतना आप अब नहीं बना पाओगे। अगर आप दोनों बना पाते तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती ही नहीं। आपको क्या करना पड़ रहा है, एक को पाने के लिए, एक गुड्स को पाने के लिए दूसरे गुड्स की कुछ ना कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि नो अजम्पशन इज मेड हेयर दैट लेबर इज द ओनली फैक्टर प्रोडक्शन, इसका मतलब यहाँ पे सारे फैक्टर प्रोडक्शन को लिया गया, यहाँ रिसोर्सेज में सबको दिया देखा गया, लेबर, कैपिटल, मैनुअल जो स्किल है, इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि लैंड, तो वो सारे रिसोर्सेज को देखा गया, उसके बाद ही पार्ट को कैलकुलेट किया गया, ना कि सिर्फ लेबर को। वो तो किस में था, कंपेरेटिव में। तो बोल रहा है कि ये भी नहीं माना गया कि लेबर होमोजीनियस है, नॉर इट इज़ अज्यूम दैट कॉस्ट और प्राइस ऑफ कमोडिटी डिपेंड ऑन और कैन बी इन्फर्ड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम इट्स लेबर कंटेंट, कि सिर्फ वो लेबर कंटेंट से नहीं आती, वो किससे आती है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू आती है। तो ये हमने किस में पढ़ा था, कंपेरेटिव कॉस्ट में, जबकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या बोला, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। कंसिक्वेंटली द नेशन विथ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी हैज ए कंपेरेटिव एडवांटेज इन दैट कमोडिटी। तो इसने क्या बताया, जिस कंट्री की लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी प्रोडक्शन में, उसके पास कंपेरेटिव एडवांटेज होगा, और वो क्या कर पाएगा, एक्सपोर्ट कर पाएगा, एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज फिर क्या करेगी, उससे डिमांड करेगी और इम्पोर्ट करने की करेगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप पी पी सी
या जिसको हम PPF भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और फ्रंटियर, उससे समझ सकते हो, जिसका दूसरा नाम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी होता है। आपको पता है कि एक तरीके से इस तरीके से बना हुआ होता है जब भी कर्व पे आप इसको डिनोट करते हैं। PPF इज ए कर्व दैट शो द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी दैट ए नेशन कैन प्रोड्यूस बाय फुली यूटिलाइजिंग ऑल ऑफ इट्स रिसोर्सेज विद द बेस्ट टेक्नोलॉजी। क्योंकि अगर आपके पास रिसोर्सेज बढ़ गए तो फिर तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि और भी प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, कि जहाँ पे पहले एक कर्व बन रहा था उसकी जगह जो कर्व है राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज एक साथ बढ़ गए। तो ये हमने इकोनॉमिक्स में देखा था, लेकिन जब इकोनॉमिक्स का पार्ट हमारा आएगा तो आप और भी ज़्यादा पार्ट देखोगे, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो अपना हो ही गया, इसका आंसर अपना सी था, याद रखना थर्ड का। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, देखो ये आ गया, कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी वाज गिवन बाय, जिसकी बात कर रहे थे वही था, दिसंबर 12 में आया। तो आपको पता है किसने दिया, डेविड रिकॉर्डो ने, CD, ठीक है। बाकी सारे आपको पता ही है, ये रेमंड वर्नर ने जो दी थी वो कौन सी दी थी, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, जिसमें आप पढ़ते हो जनरली क्या है, ग्रोथ मैच्योरिटी, ये पढ़ते हो ना, दो टाइप की उसने बताई थी, एक तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से रिलेटेड, और दूसरा बोला था मार्केट स्ट्रक्चर, कि मार्केट में तीन चार टाइप की स्टेजेस होती हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन। मैच्योरिटी और डिक्लाइन के बीच में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सैचुरेशन, क्या बोल सकते हैं, सैचुरेशन पॉइंट भी आप बोल सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है, यानी फोर्थ का आंसर ए है, रखना। फिफ्थ का है अपना आंसर, आंसर क्या, पहले क्वेश्चन तो देखूँ, वॉट आर द अजम्पशन ऑफ हेक्सचर ओहलिन मॉडल, नो ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रेड, इसका मतलब फ्री ट्रेड, बी कमोडिटीज एंड फैक्टर आर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, बिल्कुल ठीक। तो देखो फ्री ट्रेड होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, जब आप एब्सोल्यूट एडवांटेज भी देखोगे, जब आप कंपेरेटिव वाली भी देखोगे थ्योरी, सब में यही पार्ट रहता है, बोथ कंट्रीज ऑपरेट एट सेम लेवल ऑफ एफिशिएंसी, ये भी माना जाता है इसमें, क्योंकि उस केस में हम बोल सकते हैं, क्योंकि अजम्पशन ये मानी गई है, तो उस केस में देखा जाएगा कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम मैच कर रहा है, तो उस केस में इसलिए तीनों पार्ट को आपको बोल दिया कि अजम्पशन में इंक्लूड किया जाएगा। पर इसके अलावा भी मैंने और अजम्पशन ली हुई है, तो आप पहले थ्योरेटिकल पार्ट में जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा, इसलिए अपना आंसर है ऑल ऑफ द अबो। अब देखते हैं सिक्स्थ, तो इसमें क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है हु हैज शोन हाउ इंटरनेशनल ट्रेड लीड्स टू इक्वलाइजेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस। तो इसमें मुझे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगा, देखो कि JM Keynes, बर्टिल ओलिन, तो ये तो है ही नहीं, डेविड रिकॉर्डो भी नहीं है क्योंकि वो कंपेटिव से रिलेटेड था। तो देखो बर्टिल ओलिन मुझे लगा, लेकिन नन ऑफ दीज भी हो सकता है, क्योंकि जो बर्टिल ओलिन था उससे रिलेटेड हेक्सचर ने तो चलो फिर भी क्या बोला कि कंप्लीट इक्वलाइजेशन होता है, जब भी हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं या फैक्टर एंडोमेंट की बात करते हैं कि लेबर ज़्यादा है या हम बोल सकते हैं कैपिटल ज़्यादा है, तो एक तरीके से इंटरनेशनल मोबिलिटी होने के कारण उसका सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल आपका हो गया और बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं इक्वलाइजेशन मिलेगा या इक्वलियम प्राइस मिलेगी, ठीक है, वो तो हेक्सचर ने बोला। लेकिन उसके साथ उसका जो प्रोफेसर एक और था ओहलिन, उसने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि फुली इक्वलाइजेशन हो, पार्टली इक्वलाइजेशन हो सकता है फैक्टर की प्राइसेस का। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि ओहलिन ने तो क्या बोला, पार्टली बोला था, मैं आपको बताया था एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने उस वक्त आपको वीडियो में नहीं बताया था, तो ओहलिन ने तो बोला था कि पार्टली हो सकता है, अब फुली तो नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं बोल रखा कि पार्टली कहीं पे, तो बर्टिल ओहलिन भी हो सकता है, इसलिए जो आंसर है आप जब अरियंत इसकी बुक में देखोगे तो बर्टिल ओहलिन आपको दिख जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो अगर आप कंप्लीट की बात करोगे तो कंप्लीट किसने बोला था, सैमुएलसन ने या लर्नर ने, तो सैमुएलसन मतलब पॉल सैमुएलसन, जिसने अपनी 1948 में इससे रिलेटेड ही थ्योरी बताई थी, जिसको फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरी भी बोलते हैं। तो कभी भी अगर आपका फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरी का पार्ट आ जाए तो पॉल सैमुएलसन आपको बता देना है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज आती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन आप फिर भी बर्टिल ओहलिन इसको कर सकते हो। सेवंथ, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी वन कंट्री मे बी मोर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर गुड्स देन अनदर कंट्री एंड दैट अनदर कंट्री मे बी capable of producing some other goods more efficiently than first one। तो देखो productive efficiency की बात आ गई, production की efficiency की, तो seventh में किसकी बात करोगे आप, आप देख लीजिए, theory of comparative, नहीं, theory of absolute जो कि Adam Smith से related थी, तो ये है international product life cycle जो कि किसकी है, Raymond Vernon की, तो वो part तो नहीं आएगा क्योंकि उसमें तो आपने पढ़ा है growth, उसमें तो technical innovation की बात कर रहा है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज इसका पार्ट आएगा सेवंथ का। अब एट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्ट, कंट्रीज शुड एक्सपोर्ट मोर देन दे इम्पोर्ट एज पर थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म। आपको पता है शुरू मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे ज़्यादातर वेल्थ या कंट्री की जो भी क्या बोल सकते हैं
कंट्री की जो भी वेल्थ है उसको किससे मेजर किया जा सकता है, गोल्ड सिल्वर उसके थ्रू। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे ज़्यादा जोर दिया गया और इम्पोर्ट को एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया गया, तो हम बोल सकते हैं कि ए सही है। थ्योरी ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेजेस प्रोपाउंडेड बाय एडम स्मिथ, देखो सीधी सी बात है, कंपेटिटिव एडवांटेज 10 बार तो आप देख चुके हो किसके थ्रू, डेविड रिकॉर्डो, तो एडम स्मिथ नहीं है, क्योंकि देखो एडम स्मिथ एब्सोल्यूट एडवांटेज, सी डी कंपेटिटिव एडवांटेज, डेविड रिकॉर्डो, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए ही ठीक था। अब 9 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। थ्योरी ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज अज्यूम सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड लेबर कैपिटल ऑल ऑफ दिस, तो आपको पता है कि ए के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया था लेबर। इसके बाद है 10th, इसमें क्या बोल देता है देख लेते हैं। तो देखो लिस्ट 1 दे रखी है और लिस्ट 2 थ्योरीज दे रखी है और फीचर्स। थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड किसने दी थी, अगर आप भूल जाओ तो मैंने बताया डी जे या आर जे यानी जॉन स्टुअर्ट मिल ने दी थी। तो यहाँ आपको पता है कि देखो रेसिप्रोकल डिमांड की बात कर रहा है, तो उस केस में हमने क्या बोला कि जितने भी आपने थ्योरीज पढ़ी ज़्यादातर उसमें क्या बोल रहा था कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करो एक्सपोर्ट ज़्यादा करो, तो जब सामने डिमांड ही नहीं होगी तो एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे, सप्लाई कहाँ से करेंगे, तो आप डिमांड पे भी जोर दीजिए। वो किसने बताया था, जॉन स्टुअर्ट मिल ने बताया था। तो इस केस में बोल रहा है इट एम्फेसाइज द डिमांड साइड एज वेल, वो रेसिप्रोकल डिमांड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ए गलत है और सी गलत है। तो अब हम बी और डी में से देखेंगे कौन सा सही है बाकी आगे का पार्ट। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, अब कितनी बार देखा, थ्रू स्पेशलाइजेशन कंट्रीज कुड इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, ये। इसके बाद देखो थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म जहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट से, तो चलो आपको अगर बी भी नहीं पता रहता कि यार एब्सोल्यूट एडवांटेज भूल गया एडम स्मिथ से रिलेटेड, जिसने बोला था कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होनी चाहिए किसके थ्रू, स्पेशलाइजेशन के थ्रू, यानी आपको वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, ये बोल रहा है। फिर इसके बाद आपको थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म की बात की, तो उसमें देख लो ये एक्सपोर्ट आ गया, तो ये पता चल गया, तो आप देख सकते हैं वो किस में 214 इसमें, तो 214। थ्योरी ऑफ कंपेटिटिव कॉस्ट, इट अज्यूम दैट देर इज ओनली वन फैक्टर प्रोडक्शन जो कि क्या रहता है लेबर, तो 2143 टेंथ का क्या होगा आपका बी। अगला देखिए क्या बोलता है, इसमें भी देख लेते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लिस्ट वन लिस्ट टू वाले पार्ट कवर किए हैं मैचिंग के, ताकि आपको थोड़ी सी दिक्कत नहीं हो और इसके थ्रू आपके तीन तीन चार चार क्वेश्चन भी एक साथ कवर हो जाते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो क्या बोला, थ्योरीज और फाउंडर, थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म, तो एक बार आप पूरा देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि जहाँ पे एक्यूमुलेटेड ट्रेजर की बात की गई, एक्सपोर्ट ज़्यादा बात की गई और इम्पोर्ट के रेस्ट्रिक्शन की बात की गई, यानी यहाँ पे इसका पॉइंट जो आएगा वो आएगा 4th, इट एट्रीब्यूट्स एंड मेजर द वेल्थ ऑफ ए नेशन बाय द एक्यूमुलेटेड ट्रेजर। तो आप इसमें से देख सकते हैं कौन सा सही है, तो देखो ये वाला ए। फिर भी अगर आपके कभी कभी सेम सेम आते हैं जो कि पहले हमने उससे ऊपर वाले क्वेश्चंस में देखे, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आगे भी पढ़ना पड़ता है। तो एक बार देख लेते हैं थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, तो आपको वैसे ही पता चल गया थर्ड होगा, इट रेफर टू एबिलिटी ऑफ कंट्री टू प्रोड्यूस ए गुड मोर। इसके बाद है थ्योरी ऑफ कंपेटिटिव कॉस्ट, तो कंपेटिटिव कॉस्ट से रिलेटेड क्या बोल रहा है, व्हाट ईच कंट्री विल एक्सपोर्ट एंड व्हाट इट विल इंपोर्ट इज डिटरमिन्ड बाय कंपेटिटिव डिफरेंसेस इन लेबर कॉस्ट, ठीक। तो जनरली उस केस में क्या बोल दिया कि लेबर को ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना गया, तो ये वाला पार्ट था। फिर था थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, तो देखो मैंने आपको बताया डी जे, तो ये किसने डेवलप किया, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, तो 4321 ये अपना आंसर हो गया। 12 में मैंने ना क्या ऑप्शन गलत दे दिया था फर्स्ट का, तो ए का मैंने सही कर दिया, यानी आंसर आपको पता चल गया होगा कि ए ही होगा, तो यहाँ पे मैंने सही कर दिया है। फिर भी देख लो एक बार, थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड बार बार आ रहा है, तो ये देखो जॉन स्टुअर्ट मिल, एब्सोल्यूट एडवांटेज ए ए डबल ए एडम स्मिथ, तो 4, यहाँ मैंने गलती कर दी थी तो इसको मैंने सही कर दिया है 4-2। फिर थ्योरी ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज का देखो, डेविड रिकॉर्डो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ ट्रेड, तो वो किसने दी थी, रेमंड वर्नर ने, जिसमें मैंने आपको बार बार बोला है कि दो पार्ट है, इस तरीके से याद रख लीजिए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया कि जो मैचुरेशन, जो अपनी स्टेज थी अलग अलग प्रोडक्शन की, वो कौन कौन सी थी, तो उस केस में इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो 4213 ये इससे रिलेटेड था। अब देखिए क्या बोल रहा है 13, हाँ ये पोर्टर आ गया। पोर्टर से अगर आप भूल जाते हो तो मैंने आपको बताया कि याद रखना पीसी, तो वो हमेशा कंपिटेटिव है, क्योंकि कंपिटेटिव आप बार बार याद रख चुके हो, डेविड रिकॉर्डो है, तो इस केस में क्या होगा, पोर्टर से रिलेटेड क्या होगा, पीसी कंपिटेटिव, पोर्टर का डायमंड मॉडल जिसमें 4 थे, तो देखो 4 कौन से थे, इसके अलावा गवर्नमेंट और चांसेस बताएं, तो बोल रहा है कि एन एट्रीब्यूट दैट डजंट कॉन्ट्रीब्यूट टू पोर्टर्स डायमंड मॉडल, तो अब 4 तो वो आपके फैक्टर्स थे, लेकिन 2 और चीज़ें आती थी जो गवर्नमेंट और चांसेस वो भी एट्रीब्यूट करते थे, या एक तरीके से वो भी इंटरनेशनल बिजनेस या ट्रेड या डिमांड को एक तरीके से अफेक्ट
कर सकते थे, तो यहाँ पे एक तरीके से वो भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकते थे, यहाँ पे बोल दिया था आपने, तो यहाँ पे बोल सकते हो गवर्नमेंट हाँ है। ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन सोची है क्या आपने, तो पढ़ा ही नहीं, जनरली ये कोई अफेक्ट करेगी क्या, यानी किसके हिसाब से, पॉटर के हिसाब से, ऐसे तो करेगी आप बोलोगे, लेकिन देखो पॉटर के हिसाब से था क्या, नहीं, क्योंकि फैक्टर कंडीशन, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री, डिमांड कंडीशन और फर्म स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, तो उस केस में जनरली ये पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो एक तरीके से नॉर्मल लिमिटेड फैक्टर हो गया, इतना ज़्यादा नहीं हो गया पॉटर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है, ओनली बी, ठीक। इसके बाद देखिए 14, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी इन ए करेक्ट ऑर्डर। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि बार बार मैंने चार पांच बार बता दिया आपको कैसे, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी स्टेज प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उस वक्त हमारा इतना ज़्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल नहीं होगा, सेल नहीं होगा, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, लोगों को पता चलता जाएगा और क्या होती जाएगी, ग्रोथ होती जाएगी, तो हम आराम से अपनी सेल कर पाएंगे और प्रॉफिट पोटेंशियल हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बाद कॉम्पिटिटर एंटर हो जाएगा, तो हमारे क्या है मैच्योरिटी स्टेज पर हम बोल सकते हैं कि नए कस्टमर ढूंढने में हमको दिक्कत होगी, और कॉम्पिटिटर आने की वजह से क्या होता है, एक तरीके से हम ना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं ना ज़्यादा लॉस, यानी मैच्योरिटी स्टेज पे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गए एक तरीके से। लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटर हावी भी हो सकता है, और उस केस में क्या हो जाएगा, हमारी डिक्लाइन स्टेज भी आ सकती है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 2, 4, 1, 3, 2 फिर 4 फिर 1 मैच्योरिटी फिर डिक्लाइन, 2, 4, 1, 3। अब 15 देख लीजिए, आपके हिसाब से लास्ट है, लेकिन इसमें मैंने दो क्वेश्चन और ऐड कर दिए। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर नॉट करेक्ट, एंडोमेंट थ्योरी अज्यूम्स दैट फैक्टर मोबिलिटी विद इन ए कंट्री इज कम्प्लीट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो ये तो करेक्ट है, हमें क्या पता करना है जो करेक्ट नहीं है। अगला देखिए क्या बोल रहा है, इमिटेशन गैप थ्योरी जो कि टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी भी कहलाती है अज्यूम्स दैट न्यू प्रोडक्ट आर इनिशियली डेवलप्ड इन कैपिटल रिच कंट्री। देखो यहाँ पे हमने बोला था कि गैप काई का रहता है, कि किसी कंट्री ने जो गुड्स प्रोड्यूस करा और दूसरी कंट्री ने उसको बाद में प्रोड्यूस करा, तो वो गैप है, वो एक तरीके से क्या है, टेक्नोलॉजिकल गैप है। अब जरूरी नहीं है कि रिच कंट्री जो कैपिटल हो उसके पास ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, यूएसए के पास जरूरी थोड़ी कि जापान से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, क्योंकि जापान में अलग टेक्नोलॉजिकल एडवांस, किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए ज़्यादा एडवांसमेंट हो और किसी दूसरे गुड्स के लिए कम हो, यूएसए में किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए ज़्यादा एडवांसमेंट हो और किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए कम हो, तो हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है उसके थ्रू देखा जाता है, न कि कोई कैपिटल रिच कंट्री के थ्रू देखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी करेक्ट नहीं है। इमिटेशन गैप थ्योरी अज्यूम्स दैट न्यू प्रोडक्ट आर इनिशियली डेवलप्ड इन कैपिटल रिच कंट्री, तो ये सही नहीं है, ये तो सही है बिल्कुल आपका ए, तो हम बोल सकते हैं कि कौन सा करेक्ट नहीं है, बी। फिर भी एक बार थ्योरी में जाके देख लेना आपको पता चल जाएगा, या ये 16 पढ़ लीजिए आपको पता चल जाएगा, ठीक, तो इसलिए हम बोल रहे हैं बी सही नहीं है, तो आंसर अपना होगा बी 15 में। 16 देखो, डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इन वन कंट्री एंड द टाइम व्हेन द प्रोड्यूसर इन अदर कंट्री स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इट, तो एक ने तो प्रोड्यूस कर लिया और दूसरा क्या कर रहा है, बाद में उसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो किसकी वजह से गैप है, टेक्नोलॉजिकल गैप, तो यहाँ पे आ गया आपका इमिटेशन गैप, क्या आ गया, इमिटेशन। हाँ ये मान सकता हूँ कि जिसके पास कैपिटल ज़्यादा होगी तो उसके हिसाब से क्या होगा, उसके पास एडवांसमेंट होगा, लेकिन ज़रूरी ऐसा नहीं है, क्योंकि आप पर्टिकुलर आपने खूब सारे एग्जांपल पढ़ लिए हैं, जैसे आपको मैंने स्विट्जरलैंड का बोला तो वो वॉचेज़ में एफिशिएंसी है, वहाँ वॉचेज़ बहुत अच्छी बनती है, जापान में हमने बोला तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इस तरीके से आप अलग अलग देखोगे। यूएसए में क्या बोल सकते हो कि कोई पर्टिकुलर गुड्स अगर नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो वहाँ पे मेज़ व्हीट ऐसे बोलते हैं, ठीक है, गेहूँ ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट से रिलेटेड देखा जाएगा, और वो टेक्नोलॉजिकल गैप के कारण ही होगा, क्योंकि यहाँ पे इमिटेशन थ्योरी इससे रिलेटेड थी। अब वो किसने दी थी, पॉस्नर ने दी थी, याद रखना ये वाली थ्योरी, तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि वो किसने दी, पॉस्नर ने। 17th इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर्ड, तो इसका देखो 16 का आंसर तो ए ही होगा, याद रखना। 17 देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर्ड इन इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी आर, एक तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, और मैंने बोला बी मार्केट स्ट्रक्चर, दोनों सही है, तो इसलिए बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इस तरीके से अपने सारे थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के क्वेश्चन कवर हो ही गए हैं, तो इसी तरीके से आपको और भी आगे वीडियोज़ मिलती जाएगी, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।